आयु साची आलती सानू भव्या रोमी उदय हम सफर। स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम एवरीवन। फातिमा साधना योगेश रजनी रूपा राणा जी वेलकम, राधे राधे साची जी नमस्ते, रजनी जी उदय नमस्ते वेलकम, नमस्ते रितिका आरजे महिमा पूजा वेलकम, गुड इवनिंग महिमा, राहुल तहसीन गौरव ब्रजेश वेलकम, नमस्ते राहुल, नमस्ते गौरव, खुश रहो भैया, गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग रितिका, रामायण ज्योति हनुमान वेलकम, खुश रहो रामायण, स्वागत है, नमस्ते हनुमान जी, गुड इवनिंग ज्योति, रमन अतुल मनीषा गुड इवनिंग वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग निमी, रियू प्रभा तेज अंकिता सुरभि साधना नमस्ते, नमस्ते तेज, गुड इवनिंग रोमी। चलो भैया शुरू करते हैं क्लास, जितने भी लोग जुड़ गए अभी तक क्लास से आप सभी का स्वागत है। नमस्ते सुरभि जी, नमस्ते दीपांशु तिवारी जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम। भैया जितने लोग जुड़ चुके हैं क्लास से आप सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास, जय राम जी की, उदय, जय हिंद दीपांशु, डीजे वेलकम, स्वागत है भैया। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का अपना क्लास प्रैक्टिस सेशन, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए, चाहे वो यूपी का कोई एग्जाम हो यानी यूपीपीएससी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स बनते हैं हर तरह के एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेशन आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए स्पेसिफिकली यूपीएसआई का एक यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, स्टार्ट किया गया है अनअकैडमी पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसके लिए किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उस टेस्ट पेज पर जाकर के इनरोल कर लेना, जो आपकी ऐप है उस ऐप पर स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, तो वहां पर नीचे टेस्ट सीरीज जो चल रही होती है वो टेस्ट सीरीज आपको दिखेंगी, उन टेस्ट सीरीज को जाकर के उसमें यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज ढूंढना और उसको इनरोल कर लेना, कल उसका टेस्ट है। आप अगर उस नियत समय पर लाइव टेस्ट नहीं भी दे सकते हैं, कुछ बिजी है काम पर या कोई क्लास है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस बाद में लाइव के अतिरिक्त भी उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है, तो जरूर दीजिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस मैथमेटिक्स हिंदी रीजनिंग जीएस इन सभी विषयों की बेहतर तरीके से चलती रहे। गुड इवनिंग गोविंद वेलकम, नितेश स्वागत है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही हनुमान, ठीक है, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है ना उसी में नीचे की तरफ जब जाओगे क्लासेस जहां पर खत्म होती है ब्राउज करोगे ना, ब्राउज का एक ऑप्शन आता है, ब्राउज में जब नीचे की ओर जाओगे बच्चा तो टेस्ट सीरीज कौन कौन सी चल रही है प्रेजेंट में वो आपके सामने लिख करके आता है, ठीक है, उसमें से यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जो चल रहा है स्टार्ट किया गया है, ठीक है, कल से स्टार्ट होगा, कल पहला टेस्ट है उसका, उसको जरूर दो, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, हाँ, जहां पे क्विज करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल, चलिए टाइम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है सुरभि, शायद मॉर्निंग में 10 बजे है, लेकिन कई लोगों का क्लास भी होता है, जैसे मॉर्निंग 9:30 से 11 मेरी ही क्लास चलती है प्लस में, ठीक है, तो जो लोग प्लस में नहीं है 9:30 से 11 पर वो ले सकते हैं उस क्लास को, ठीक है, हाँ मॉर्निंग शायद 10 बजे से। अब जैसे मेरी क्लास चलती है 9:30 से 11 तो आप लोग क्लास में रहेंगे तो क्लास के बाद भी आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, लाइव के अतिरिक्त भी उस टेस्ट को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उस टेस्ट को दे नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया, पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, बताइए उत्तर क्या आएगा। सिमरन जी नमस्ते, स्वप्निल संदीप आप सभी का स्वागत है, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ब्लड रिलेशन का एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, जरा देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 40 सेकेंड के बाद मैं आपको पोल दूंगा और पोल पर आंसर करना होगा आप लोगों को।
नमस्ते विकास, नमस्ते, खुश रहो भैया। 40 सेकंड पूरे होने वाले हैं आपके और मैं पोल देने जा रहा हूं अब आपको, ठीक है। उसने पूछा है महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, और ये रहा आपके सामने पोल, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। गलत प्रेस कर दिया, वाई नॉट सास, वाई नॉट सॉस। ओके, चेक करते हैं हनुमान, वाई नॉट सॉस, चेक करते हैं भैया। हाँ नहीं, समझ गया समझ गया समझ गया। चलो, कई लोग कह रहे हैं कि गलत प्रेस कर दिए हैं, अब गलत प्रेस कर दिए, गलत हो गया, गलत तो गलत ही होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया, जरा प्रश्न को समझते हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा परेशान कर दिया आपको, क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना बच्चा, मैं इसको एक मिनट में भी समझा देता हूं। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है बच्चा, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आपको, ठीक है, आपको केवल और केवल एक काम करना है, क्या, सही फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। अब जब आप इसका सही फैमिली ट्री बच्चा ड्रॉ करेंगे तो उसने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये बच्चा एक महिला है और इस महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा है बच्चा इस आदमी ने, इस आदमी ने बोला है कि इसका इकलौता भाई, किसके बारे में बोला, इस महिला के बारे में ना, इस महिला की इकलौता भाई, इस महिला का इकलौता भाई यानी ओनली ब्रदर का बेटा, इस महिला के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का, यानी ए अपने बारे में बोला ना कि मेरी पत्नी का, यानी ए की पत्नी का क्या है, भाई है। केवल इतना बोला ना उसने, अब उसने बोला है कि भैया ये बताओ कि ये जो महिला है ये पुरुष से कैसे संबंधित है। सिंपल सा यही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, अब बच्चा जरा ध्यान से समझो इस फिगर का सही उत्तर क्या बनेगा। जब आप इस फिगर से आंसर निकालने जाओगे तो उसने क्या बोला है कि मेरी पत्नी का भाई है कौन, इस महिला के इकलौते भाई का बेटा। अगर बच्चा एक बात बताओ, ये मेरी पत्नी का भाई है तो ये मेरा साला हुआ कि नहीं हुआ, मेरा ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मेरा साला हुआ ना। क्या मैंने बताया फिगर को, कैसे मैंने बनाया, मैंने कहा महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, क्या कहा, कहता है कि इस महिला का इकलौता भाई, महिला का इकलौता भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो ये फिगर बन गया। अब अगर मेरी पत्नी का भाई है ये, तो ये मेरा साला हुआ यानी मेरा ब्रदर इन लॉ हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ का पिता ये क्या है, बेटा है ना इस व्यक्ति का, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का पिता मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा ससुर यानी कि फादर इन लॉ हो जाएगा, और मेरा ससुर क्या है, इस महिला का इकलौता भाई है, मेरा ससुर इस महिला का इकलौता भाई है, और यदि मेरा ससुर इस महिला का इकलौता भाई है तो भैया इस महिला का मुझसे संबंध क्या हुआ, ये मेरे ससुर की बहन हुई या नहीं हुई, और अगर मेरे ससुर की बहन हुई तो बच्चा प्रश्न का सही उत्तर क्या लगाओगे, डी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ तो अंगूठा बना करके बता देना, नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक आ गया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदय बच्चा क्या समझ नहीं आया, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में आप सभी का वेलकम है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइए उत्तर क्या आएगा। बुआ सास, ठीक है यही मान लेते हैं बुआ सास। सिंपल सा प्रश्न, बेहद सिंपल, आपके सामने कैलेंडर का, कैलेंडर के इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करना सिखाया है। जरा देखो भैया, यदि 16 मार्च को रविवार है तो उस महीने कितने शनिवार और सोमवार पड़े थे, जरा ये बताओ देख करके कितना आंसर आएगा। और 40 सेकंड में मैं देता हूं आपको पोल। उदित शुक्ला जी स्वागत है क्लास में आपका, बताओ भैया प्रश्न का उत्तर। हो गया पोल दिया जाए, बस देता हूं पोल 10 सेकंड। उस महीने कितने शनिवार और सोमवार हैं, ये रहा आपके सामने पोल, बताओ उत्तर। जैस्मिन अजय वर्मा जी वेलकम एवरीवन, इसका भी तुम लोग आंसर गलत करे दे रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा भाई।
निहायत ही सिंपल प्रश्न है ये। नमस्ते अजय, नमस्ते। हाँ मतलब घोर सिंपल, कतई सिंपल प्रश्न है और खाली 34% लोगों ने आंसर किया हुआ है बी वाला, चार आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, केवल 34% लोगों ने आंसर किया है बी वाला और चार सोमवार होंगे। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। और कई सारे लोगों ने आंसर किया है पांच शनिवार तथा चार सोमवार। बच्चा जरा स्टार्ट करते हैं, 16 मार्च को कौन सा दिन है बच्चा? 16 मार्च को उसने हमसे बताया है कि दिन कौन सा है, रविवार का दिन है। अगर 16 मार्च को बच्चा रविवार का दिन है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च को बच्चा सैटरडे होगा कि नहीं होगा? अब आपको मैंने क्या बताया है कि दिनों का चक्र कितने दिनों का होता है, तो दिनों का चक्र केवल और केवल 7 दिनों में होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे। सैटरडे से आगे जब बढ़ोगे बच्चा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सातवां दिन फिर सैटरडे आएगा, यानी दिनों का चक्र कितने का होता है, 7 दिनों का। अगर बच्चा 15 मार्च को सैटरडे पड़ा है तो 15 मार्च को सैटरडे का मतलब है कि 8 तारीख को भी सैटरडे पड़ा होगा, मतलब 1 तारीख को भी सैटरडे पड़ा होगा, यानी 1/8/15 को अगर सैटरडे पड़ा है तो 22 को भी सैटरडे पड़ेगा, 22 को अगर सैटरडे पड़ा है तो 29 को भी सैटरडे पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बच्चा हो गया सैटरडे। अब अगर 1 को सैटरडे था तो बच्चा 2 को संडे और 3 को मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर मंडे 3 को पड़ रहा है तो बच्चा 10 को भी मंडे पड़ेगा, 17 को भी मंडे पड़ेगा, 24 को भी मंडे पड़ेगा, और 24 के बाद 31 को भी मंडे पड़ेगा, ठीक है, 24 के बाद 31 को भी मंडे पड़ेगा, ठीक। अब इस प्रश्न के लिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि भैया 30 ही आपने दिन जोड़े हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है मार्च। अगर हाँ मैं समझ गया था कि कई लोगों ने 30 जोड़ लिया होगा और 30 के आधार पर केवल मंडे 4 निकाल दिए, बच्चा मार्च का महीना उसने लिखा हुआ है सीधा सीधा, और मार्च कितने दिनों का महीना होता है, 31 दिनों का महीना होता है। और अगर मार्च बच्चा 31 दिनों का महीना होता है तो 31 तक जाओगे ना, वीडियो रिफ्रेश कर लो तेज एक बार बच्चा, वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लो, तो बच्चा मार्च अगर 31 का होता है तो 31 तक भी जाओगे ना, तो 31 को भी सोमवार पड़ेगा। तो अब समझ आया कि 5 शनिवार और 5 सोमवार कैसे होंगे, या दोबारा समझाया जाए? क्लियर है ना सभी को? इतना सिंपल प्रश्न, लेकिन इसके बावजूद केवल 34% लोगों ने सही उत्तर किया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। एज वीडियो रिफ्रेश कर लो भैया एक बार। और मैं 40 सेकंड में पोल दूंगा। दस सेकेंड बाद में इसका पोल देता हूं आपको। और ये रहा भैया इसका पोल आपके सामने, उत्तर बताओ। नमस्ते नाजिया जी, नमस्ते। भैया जितने भी तरह के एग्जाम दोगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पीएससी का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, बैंक के एग्जाम को छोड़ के हर तरह का एग्जाम इन्हीं क्वेश्चन से पास होना, ये बात ध्यान रखना। नमस्ते राघव जी, वेलकम। टाइम कम था, 40 सेकंड तो दिए थे यार तेज। शिवालिका, अनुज, वेलकम। भैया फिर से इस क्वेश्चन का भी उत्तर केवल 20-25% लोगों ने सही किया, बाकी सबने किया गलत। जरा पहचानते हैं भैया, कैस्ट्रो फोन करके हमारे सामने, कैस्ट्रा फोन करके हमको दिया गया है, 4 मिले, 15% ही सही था। अच्छा, दिस ऑलवेज गलत होता है। इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट कैसे निकालें, चलिए देखिए। एक यक्ष प्रश्न पूछा गया है अतुल जी के द्वारा,
इस क्वेश्चन का उत्तर फास्ट कैसे निकालें? तो भैया इस क्वेश्चन का उत्तर फास्ट निकालने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अगर आप उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे तो दूसरी चीजों की अपेक्षा प्रश्न का उत्तर जल्दी निकलेगा। अगर आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हो, भैया वो तरीका क्या है जरा ध्यान से समझो। प्लेस वैल्यूज लिखना, C3 A1 S19 T20, केवल प्लेस वैल्यू लिखा मैंने, 19 और 20 S और T, समझ आ गया ना, एक पेयर बन गया, आया कि नहीं। S और T के बीच में अल्फाबेट में क्या जीरो अक्षर आता है कि नहीं, यहां पर भी बच्चा जीरो अक्षर आया कि नहीं आया, तो बच्चा एक बन गया। और आगे बढ़ते हैं, ये कितना होता है 18, नहीं बन सकता। फिर कितना होता है एक, कितना होता है 16। जैसे ही बच्चा मैंने 16 लिखा, मुझे तुरंत दिख गया क्या 16 17 18, एक पेयर बना कि नहीं, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये, PQR बन गया ना पेयर। और आगे बढ़ते हैं बच्चा, एच की वैल्यू कितनी होती है 8, एच के बाद ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, एन की वैल्यू कितनी होती है 14। जैसे ही मैंने 14 15 लिखा तो मेरे सामने एक ये पेयर बना कि नहीं बना, 14 15, तीन पेयर केवल प्लेस वैल्यू लिखते टाइम निकल आए आपके। और आखिरी में क्या बचा, बच्चा ई बचा, यानी कि प्लेस वैल्यू 5। जैसे ही 5 5 लिखा तो 5 से बच्चा क्या नजर आ रहा है, 5 से 6 7 और 8 नजर आया ना, ये भी एक पेयर बना, कितने बन गए 4 पेयर दिख गए। 4 के अतिरिक्त और कौन कौन से पेयर आ रहे हैं बच्चा, अगर ओ से हम चले टी की ओर, नजर आ रहा है देखो 15 से 20, बच्चा कैसे 15 से 20 जाओ जरा, 16 17 18 19 20 बन रहा है ना पेयर, एक पेयर ये बना, एक और पेयर बन गया क्योंकि एन ओ के बगल में लिखा हुआ है। अगर ओ के बगल में लिखा हुआ है तो बच्चा 14 से 20 भी बनेगा, कैसे 14 से 15 16 17 18 19 20 बन गया पेयर, कितने पेयर नजर आए 6। अगर लेटर से लेटर पेयर निकालोगे तो 5 मिनट लगा दोगे तब भी पेयर गलत आंसर निकालोगे, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू लिख दोगे और प्लेस वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो मुश्किल से 30 40 या 45 सेकंड में प्रश्न का उत्तर दे दोगे। और प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, रटनी नहीं है, याद रखनी है, याद रखवाया है मैंने, समझाया है, रटने के लिए नहीं बोला मैंने। हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं सवेरे 9:30 बजे, वहां नहीं रटने दे रहे हैं, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको नहीं रटने दिया, तो रीजनिंग कैसे रटवा देंगे आपको, है कि नहीं, रीजनिंग कैसे रटवाएंगे भैया। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या आया 6। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा आपके सामने, प्लेस वैल्यूज लर्न नहीं होती। किसी दिन तुमसे इत्मीनान से चर्चा करते हैं विकास इस बारे में, खाली 10 मिनट तुमसे अगर हम चर्चा कर लें तो तुम्हारा प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कौन वाला समझ नहीं आया सानू, कौन वाला समझ नहीं आया भैया बताइए, इसका उत्तर बताओ जल्दी से सभी लोग। चौथा प्रश्न है, 40 से 50 सेकंड का समय दे रहे हैं, उत्तर बताओ। इसके पहले वाला, अच्छा ठीक है, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं बच्चा, उसमें करना कुछ नहीं था, इसके पहले वाले प्रश्न में केवल और केवल हमको प्लेस वैल्यू सानू लिखनी थी। एक बार अगर आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना बच्चा, तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद नंबर से नंबर, जैसे 6 और 7 अगर अगल बगल आ गए बच्चा, तो 6 और 7 अगल बगल का मतलब क्या है कि 6 7 के बीच में एको अक्षर नहीं आता ना, ना एको नंबर आता है। अब 6 का मतलब बच्चा हुआ हमारे सामने क्या F, और 7 का मतलब क्या हुआ G, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में भी बच्चा F और G के बीच में कोई लेटर आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब है ये एक पेयर बन गया हमारा, ये पेयर का मतलब होता है। ठीक है, अभी एक बार फिर से समझा देंगे हम, जरा इसका उत्तर बताओ, मैं 10 सेकंड बाद देता हूं पोल। नुपुर गुप्ता जी स्वागत है क्लास में आपका, और ये रहा आप लोगों के सामने पोल, उत्तर बताइए। नमस्ते जानवी, नमस्ते आदित्य, वेलकम। कई सारे लोग इसको सही कर रहे हैं और कई सारे लोगों का गलत भी हुआ है। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग। अड़तालीस % लोगों ने करीब करीब इसको सही किया हुआ है।
हमारे सामने बच्चा मिसिंग टर्म का एक प्रश्न है, ठीक है, और मिसिंग टर्म के प्रश्न के बारे में मैंने आपको समझाया है कि मिसिंग टर्म के क्वेश्चन बच्चा हिट एंड ट्राई मेथड के आधार पर ही करने होते हैं, कोई सेट लॉजिकल पैटर्न नहीं होता। हाँ, एक तरीका, एक अप्रोच मैंने आपको सिखाया था, खासकर जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे, मैट्रिक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म होता है उसका अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखाया था। और उसका अप्रोच मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, कि अगर मैट्रिक्स में रो वाइज या कॉलम वाइज आपको बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, बड़ी संख्या कहीं एक जगह पर बड़ी संख्या दिख रही है, तो कोशिश करो कि उस रो या कॉलम में उन छोटी संख्याओं का यूज करके बड़ी संख्या पर कैसे पहुंचे। लेकिन यहां पर तो बच्चा कोई बड़ी संख्या जैसा दिख नहीं रहा, सब आसपास की है, 14, 15, 10, 21, ठीक है। बड़ी संख्या का मतलब कि लिखा होता 14, 15, 10, 98, ये बड़ा होता, ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल कराऊंगा मैट्रिक्स से, करीब करीब 50-60 क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगा प्लस वाली क्लास में, ठीक है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एटलीस्ट वो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने से मैं जरूर निकाल दूंगा आपकी आंखों से। अच्छा, इस प्रश्न का बच्चा उत्तर कह रहा है, जरा समझा जाए। अब इसका मतलब है कि रो वाइज या कॉलम वाइज, अब समस्या पहली क्या आती है बच्चा, कि भैया रो वाइज चलें या कॉलम वाइज चलें। तो देखो, इसका भी एक अप्रोच होता है। यहां पर आपको, अगर आप रो वाइज जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, 14 से 24 से 32 कैसे हुआ, नहीं आंसर आएगा कभी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, आपको कितने रोज दिए गए, आपको रोज दिए गए 4, जबकि कॉलम कितने दिए गए 3। तो आपको ऐसे नहीं जाना, आपको कॉलम वाइज जाना है, खड़े खड़े सीधा 14, 15, 10 और 21 में क्या लग रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके आधार पर बच्चा अगर चलते हैं तो 14, 15, 10 और 21 में क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर, 14 × 15 और बटे का 21 अगर ये किया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक संख्या पर पहुंचना है तो बच्चा भाग देना आवश्यक है, ठीक। 14 × 15/21, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, ये हमारे सामने आ गया 3 × 7 = 21 और ये आ गया 3 × 5 = 15, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10। बच्चा बीच की संख्या 10 नजर आई कि नहीं नजर आई, ठीक है, बीच की संख्या 10 नजर आई। बच्चा इसको भी जरा ऐसे सॉल्व करो, 32 × 14 और बटे का 28, इसको जरा सॉल्व करो, 14 × 28 और 2/32 किया इधर पे, तो 16 आ गया बच्चा, 16 नजर आया कि नहीं नजर आया। और अगर 16 भी नजर आ गया तो सेम लॉजिक हमको यहां पर लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम अगर पहली दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी से भाग दे रहे हैं तो हमको थर्ड रो की संख्या मिल रही है। तो सेम आधार पर बच्चा अब आप क्या करेंगे, 24 × 26 और बटे 24 करेंगे, तो बच्चा 24 कट गया, तो बीच में 26 आपको मिलेगा कि नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। समझ आया कि नहीं आया? अतुल, रिक्वेस्ट है कि पुलिस, ये काहे में आते हैं बच्चा, ये पुलिस में नहीं आता क्या अतुल, ये कौन विभाग में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पुलिस में आता है बच्चा। तो फिर जितने क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कराएंगे ना, उनमें से एक नया पैसे का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में ना आता हो। फर्जी क्वेश्चन करा के क्या फायदा यार, जो एग्जाम में आएगा वही ना कराएंगे, ठीक है। रामायण का रुक गया भैया, वीडियो रिफ्रेश कर लो एक बार रामायण, ठीक। अच्छा, ये प्रश्न समझ आ गया ना सभी को क्या चल रहा है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। ये भी क्वेश्चन आता है पुलिस के एग्जाम में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मेरे कहने का मतलब है ये, मैं ये नहीं है सर दूरी। अच्छा, अरे यार तुम ध्यान दो, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। और बिल्कुल सही बात कही रामायण ने भैया, किसी प्रकार का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। मंडी परिषद का एग्जाम, मंडी परिषद का मैं पोल दे रहा हूं, बस 10 सेकेंड। मंडी परिषद का पिछले साल का पेपर उठा करके देखो, DI ऐसा पूछा है कि दिमाग खराब हो जाएगा DI देख करके। ऐसा DI कभी पूछा ही नहीं उन्होंने आज तक है। मंडी परिषद का आप पेपर उठा करके देखो, रीजनिंग का समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है आखिरकार रीजनिंग में। यानी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है और आपको उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये रहा इस प्रश्न का बच्चा आप लोगों के सामने, 4 ऑप्शंस हैं, ये रहा आपके सामने पोल, जरा बताओ उत्तर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। परिस्थिति के आधार पर आप कैसा निर्णय लेंगे,
बहुत सारे लोगों ने ट्रेन मिस कर दी है। हाँ हम समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग आंसर, देखो भैया करीब करीब 50% लोग गए हैं ए पर, ठीक है 50% लोग गए हैं ए पर, और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों ने जो इस प्रश्न का उत्तर किया है वो क्या किया है, सी है, ठीक है। क्या किया उन्होंने, कह रहा है प्रश्न में कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आप पाते हैं कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते थे, वह बस चलने के लिए तैयार है। मतलब ट्रेन, आप रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन चलने के लिए एकदम तैयार खड़ी है, ठीक है, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, चलने के लिए एकदम रेडी। आपके पास टिकट खरीदने के लिए कोई समय नहीं बचा, ठीक है, आपके पास टिकट खरीदने के लिए कोई समय नहीं बचा। मैं समझाता हूं सी क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं समझाता हूं सी क्यों नहीं होना चाहिए। लॉजिकली सिचुएशंस पर, ऐसे सिचुएशंस पर जब आप फंसते हो तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये इस प्रश्न को पूछने का उत्तर है, पूछने का मकसद है। अब पहले विधायक चर्चा है हमारे और दुनिया भर की नौटंकियां बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन का उत्तर समझ लो क्या आएगा, ठीक है, क्या कह रहे हैं समझो। पहले कह रहा है बच्चा कि जिस ट्रेन को पकड़ना चाहते थे बस चलने के लिए तैयार है और टिकट खरीदने के लिए शायद ही कोई समय हो, यानी टिकट खरीदने का समय नहीं बचा। या तो हम टिकट खरीदें जा करके और या तो ट्रेन में चढ़े, दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो अब अगर दो में से कोई एक काम कर सकते हैं बच्चा, तो दो में से कौन सा काम प्रेफरेंस दोगे आप, कौन सा काम लॉजिकली उचित है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो आपको पकड़नी है, इसीलिए ना तो आप आए रेलवे स्टेशन में। अगली ट्रेन पता चला 4 घंटे बाद या अगले दिन है तो तब तक स्टेशन में बैठे थोड़ी ना रहेंगे। तो बच्चा क्या करना है, उसने कहा कि शायद ही कोई समय बचाओ, तो आपके लिए सबसे अच्छा कदम क्या होगा, अगर आपके लिए सबसे अच्छा कदम क्या होगा ये उसने बोला बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, आप ट्रेन को छोड़ने की बजाय इस पर चढ़ेंगे और टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में अगले ठहराव पर टीटीई को सूचित करेंगे, पहला कदम। दूसरा, ट्रेन में चढ़ेंगे और चुपचाप अपनी यात्रा करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा आज तक, ठीक है, हमने भी कभी कभी जब स्कूल डेज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, ठीक, सभी करते हैं, ठीक है, कि ट्रेन में चुपचाप क्यों, स्कूल में आके जब आप पढ़ते हैं कोई पेपर देने जा रहे होते हैं, जैसे मैं सपोज कानपुर के रहने वाला हूँ, ठीक है, और कोई पेपर एनडी मेरा पड़ा अगर लखनऊ में, तो घर से जब कमाई नहीं होती तो घर से तो हमको किराया लिमिटेड मिलता है कि ये 200 रुपए है, इसी में आना जाना करना है और जो रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा लेना, ठीक, हाँ रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा लेना। तो वो ट्रेन, आप बस का 70 रुपए बचाने के लिए सोचते हैं कि ट्रेन से चले, और ट्रेन में भी जब पहुंचते साथ में, तो अगर 2 लोग 3 लोग साथ में हैं तो एक आदमी कह गया टिकट ना लेते हैं किराया बचा लिया जाए, छुप जाते हैं चल करके, तो आप भी कहेंगे हाँ चलो 10-15 रुपए 20 रुपए बच जाए, ठीक, यही काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो कह रहा ट्रेन में चढ़े और चुपचाप अपनी यात्रा करें, लेकिन उसूलों के आधार पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है ना, इसलिए बच्चा सेकंड वाला तो कभी नहीं होगा, ठीक। अच्छा तीसरे वाले पे बहुत सारे लोग आंसर किए हैं, कह रहा पहले टिकट खरीदेंगे और फिर ट्रेन को पकड़ेंगे, अगर यह वहां पर है, भैया टिकट खरीद लिए और ट्रेन है ही नहीं वहां पर, तब क्या करोगे, तुमको जाना तो अभी था ना, इमरजेंसी में तो आए थे ना ट्रेन पकड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं था कि तुमको कहीं पर परसों पहुंचना था, तुम आज पहुंच गए ट्रेन पर, चलो आज ट्रेन चला जाए देखा जाए आज ट्रेन कैसा होता है, आज ट्रेन में बैठेंगे कल उतर जाएंगे, ऐसे सड़कों में टहलते रहेंगे, परसों काम है, परसों तो आराम तक हो ही जाएगा, ये कहीं इमरजेंसी होता है आदमी तब ना जाता है ट्रेन पकड़ने, कहीं समय पर पहुंचना होता है तब ना जाता है ट्रेन पकड़ने, कि फर्जी चला जाता है ट्रेन पकड़ने वहां पर, फर्जी तो नहीं जाता। तो भैया टिकट खरीद के अब हम पहले, हम नहीं, हम बहुत सत्यवादी आदमी, हम ट्रेन का टिकट पहले खरीदेंगे, ट्रेन हमारे लिए मंदिर के समान है, मैं बिना टिकट खरीदे चढ़ ही नहीं सकता उस पर, मैं चढ़ूंगा ही नहीं उस पर, ऐसा भी तो नहीं करेंगे ना, ठीक। तो भैया ये सी वाला भी नहीं करेंगे, क्या फायदा आपके टिकट खरीदने का। डी वाला क्या करता है, कह रहा चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम उठाने के बजाय ट्रेन को मिस करेंगे, चलती ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए, पता नहीं कब पैर फिसल जाए, आए दिन हादसे होते रहते हैं, पेपर में कोई ना कोई हादसा ऐसा लिखा ही होता है। तो अगर ट्रेन की पकड़ने की जल्दबाजी में आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है, है कि नहीं। तो डी वाला भी बच्चा नहीं होगा। तो सही आइडिया, सही सिचुएशन का रिएक्शन क्या होगा, कि आप ट्रेन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना आपकी मजबूरी, आपको अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना है, लेकिन चुपचाप नहीं बैठेंगे, आप स्वयं जाकर के टीटी को बता देंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति थी और इस वजह से मैं ट्रेन का टिकट खरीद पाने में असमर्थ हूं,
और जो भी फाइन या टिकट बनता है आप वो फाइन या टिकट का चालान मुझे दे दीजिए और मैं उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार हूं। ये सही लॉजिकल सिचुएशन का रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जाके छुप के बैठ गए, इस वाले कोच में टीटी दिखा तो उसके बाथरूम में जाकर के बैठ गए, अब टीटी यहां से निकल जाएगा तब निकलेंगे। ये नहीं करना कि टीटी तुम्हें ढूंढे, तुम खुद टीटी को जाकर के बताओ कि भैया ऐसी स्थिति थी इसलिए टिकट नहीं खरीद पाए। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आया समझ में? जितने लोगों ने सी दिया था, टीटी ना मिले जब टिकट हो तब लग ये भी है, जब पता चला हमने टिकट खरीद लिया और टीटी ने चेक ही नहीं किया आकर के, तो लगता है लो यार फर्जी टिकट खरीद लिया, हमारे पैसे बर्बाद चले गए। लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी अंतरात्मा तो गवाही देती ना कि हमने कोई काम हमने ऐसा किया है कि जो गलत है, ये आपका अंतर्मन गवाही देता है ना। आप जिस समय ट्रेन से उतरते हैं उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और पूरे रास्ते भर बच्चा, जिस समय आपके पास टिकट नहीं होता आप चोरी छुपे चढ़े होते हैं, अगर 2 घंटे का सफर है तो वो 2 घंटे के सफर में आपके अंदर बेचैनी भरी रहेगी कि कभी भी आकर के हमको टीटी पकड़ सकता है, हो सकता है हमारी बेइज्जती कर दे, इसका डर आपको पूरे 2 घंटे लगा रहेगा। तो इसका मतलब है आप अगर कुछ गलत करें तभी ना ये डर आपको लग रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा था ना, कुछ तो गलत कर रहे थे आप, है कि नहीं? तो इसलिए बच्चा ऐसा करना गलत हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। अरे एक्सपीरियंस मतलब लगातार 2-3 साल तक दिल्ली गोरखपुर क्लास के लिए, 1 हफ्ते दिल्ली 1 हफ्ते गोरखपुर, ट्रेन का ऐसा अनुभव कि बता नहीं सकते आपको ट्रेन का कैसा कैसा अनुभव है हमारा। ठीक है, ट्रेन के टीटी से लेकर के ट्रेन के स्टाफ तक से दोस्ती हो चुकी थी हमारी, जब हर हफ्ते उसी ट्रेन से जाना है, हर हफ्ते उसी ट्रेन से चलना है, तो भैया उनसे दोस्ती हो चुकी थी। अच्छा अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया इस प्रश्न को लेकर के। सेकंड वाला बच्चा कभी नहीं होगा, ये गलत है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ जल्दी से, क्या उत्तर आएगा? बहुत डिस्कशन हो गया पीछे वाले पर, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। यदि मंडे बराबर 617 है। अच्छा बढ़िया है भैया, इसका उत्तर बताओ। मंडे बराबर 617, ट्यूजडे बराबर 729, और वेडनेसडे बराबर ऐसा ऐसा करते करते सैटरडे बराबर इतना है, तो संडे बराबर कितना होगा बताओ, क्या उत्तर आएगा? अरे पहले ट्राई तो कर लो हनुमान एक बार, जरूरी तुक्का लगाना, एक बार ट्राई तो करो यार। मंडे ट्यूसडे इतने कम क्यों है? किस टाइप का कम है भाई? 20 सेकंड बाद मैं इसका पोल दे दूंगा। SSB, अच्छा देखो मैं भूल गया इसके बारे में गोविंद, मैं कल बताता हूं आपको इसके बारे में पक्का, ध्यान से, मैं भूल गया इसके बारे में सर्च करना, मैं बताता हूं आपको। अच्छा 4 ऑप्शंस दिए गए बच्चा, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, और ये रहा आपके सामने पोल, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। और जितने लोग सही करेंगे हमको लॉजिक चाहिए, पहले बताए दे रहे, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं। तुक्का सही, तुक्का रॉन्ग। पहले एक बार ये क्वेश्चन मिला हुआ है। बहुत सही हनुमान, क्या लॉजिक लगाए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चा ये क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक टाइप का लग रहा है, ठीक है, अगर आपने प्रश्न को ध्यान से देख लिया तो लगता है कि भैया ये लॉजिक लग रहा है, ऐसा लॉजिक हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस में जरा सा भी खेल होता, मैं एक जगह 9 और 7 लिख देता और बराबर में लिखता 16, तो बच्चा फिर खेल हो जाता। अभी तो हमने 1, 2 क्या देखो संख्या क्या दिख रही बच्चा, बीच की दूसरे नंबर की संख्या को देखो, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अगला बच्चा सेम लॉजिक के आधार पर सेकेंड नंबर 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर 7 होना चाहिए तो बच्चा कहां नजर आ रहा है, 7 केवल और केवल ए वाले में नजर आ रहा है।
तो ठीक है ए वाले को उत्तर बना देंगे, लेकिन अगर कहीं एक ऑप्शन में बच्चा उसने सात और रख दिया होता बीच में तो कहानी अलग हो गई होती ना, खेल अलग हो गया होता। तो असल में लॉजिक यहां पर चल क्या रहा है, लॉजिक को एक बार और समझ लेते हैं बच्चा, क्या लॉजिक चल रहा है। मंडे, कितने अक्षर हैं मंडे में, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदीप बहुत अच्छा, मंडे में बच्चा कितने अक्षर हैं, छह, ठीक है। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, लॉजिक के आधार पर मंडे कहां पर पहले स्थान पर आ रहा है, तो बच्चा लिख दिया वन और छह और एक जोड़ के बराबर सात हो गया। ट्यूजडे में कितने अक्षर हैं, तीन तीन छह और एक सात, और कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो सात और दो नौ हो गया, ठीक। वेडनेसडे में कितने अक्षर हैं, तीन तीन छह तीन बारह नौ सॉरी ठीक है नौ बच्चा ये हो गया, किस नंबर पे आ रहा है, तीन, तो नौ और तीन बारह हो गया। यानी ये लॉजिक चल रहा था हमारा, इस लॉजिक के आधार पर संडे में बच्चा छह उत्तर हैं और ये किस स्थान पर आएगा, एक दो तीन चार पांच छह और सातवें स्थान पर, तो छह और सात कितना हो गया, तेरह, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसीलिए बच्चा हिंदी खाली दिखाने के लिए दिया था, हमने इंग्लिश से क्वेश्चन को सॉल्व किया, हिंदी से सॉल्व ही नहीं किया है, हिंदी को लेकर के कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। इसीलिए कहां सॉल्व किया हमने, हिंदी वाले सॉल्व किया, इंग्लिश से, सॉरी इंग्लिश वाले से, हिंदी से सॉल्व भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब जैसे कई बार ये थोड़ा सा गूगल का मिस्टेक भी है, कई बार मैं लिखता हूं कि दैट इंटरनेशनल, जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा होता हूं तो मैं लिखता हूं इंटरनेशनल इज कोडेड दैट दिस, तो वो लिखता है कि अंतरराष्ट्रीय का कोड ये, अब इसको कैसे किया जाए, लेकिन क्या किया जाए उसके लिए, चलो खैर इसका उत्तर लॉजिक क्या आएगा बच्चा, ये समझ आया कि नहीं, और लॉजिक के आधार पर प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ये समझ आया कि नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ये उत्तर बताओ, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग, बताइए उत्तर क्या आएगा। और जितने भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास से, भैया फॉलो करना ना भूलें, रोज शाम को 7 बजे ये क्लास आपको एज इट इज इसी टाइम पर इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अच्छा बढ़िया किए थे, ठीक है, तो भैया फॉलो करना ना भूलें, और फॉलो करने के साथ साथ अगर आप प्लस सब्सक्राइबर नहीं हैं तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और इस प्रश्न का भैया पोल रहा आपके सामने, ये बताइए उत्तर क्या उत्तर आएगा। सिंपल था मेरे ख्याल से, सभी का सही उत्तर आना चाहिए था। चलिए कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है बी वाला, कि बी वाला सही है। अच्छा इसी टाइप का प्रश्न होता है जिसमें कई बार बच्चे ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं, या कई बार वो एकदम अडिग हो जाते हैं कि नहीं सर, कथन का मतलब, निष्कर्ष का मतलब होता है कि जो कथन से हम डेराइव कर सकें, ठीक है, जो कथन से हम डेराइव कर सकें। अब बच्चा कथन में जैसे उसने लिखा है कि कोई जानवर भी अपने समुदाय के प्राणी पर वार नहीं करता है, जबकि मनुष्य अपने ही समुदाय के प्राणी पर निरंतर वार करता है, तो पहला निष्कर्ष उसने बोला मनुष्य जानवरों से सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, मनुष्य जानवरों से सर्वश्रेष्ठ है। क्या इस निष्कर्ष को इससे निकाला जा सकता है क्या? उसने तो कथन पे हमको बोला है कि भैया कथन क्या है हमारे सामने, कि जानवर कभी भी अपने समुदाय पर वार नहीं करते, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपने समुदाय पर लगातार वार करता रहता है, लगातार प्रहार करता रहता है। क्या इस कथन के आधार पर इस निष्कर्ष को निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत निष्कर्ष है, कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा, मनुष्य में पारस्परिक द्वेष की भावना विद्यमान है। भैया अगर पारस्परिक द्वेष ना हो, आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, जले ना, तो क्यों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करे या वार करे? और वार या प्रहार का मतलब ये नहीं कि सीधा कट्टा लेकर के सामने खड़े हो गए गोली मार दिए जा करके, या चापड़ लेकर के काट दिए, चाकू से काट दिए उसको। प्रहार का मतलब या वार का मतलब यही तो थोड़ी ना होता है, मतलब आप किसी भी तरीके का वार कर सकते हैं, आप दुनिया भर में उसके खिलाफ बुराइयां करते घूमिए, ठीक है, आप उसके काम को बिगाड़ दीजिए, यह भी तो पारस्परिक ईर्ष्या या द्वेष की भावना के तहत किया जाता है कि नहीं किया जाता, ठीक। और अगर किया जाता है तो भैया मनुष्य में आपस में व्यक्तियों के प्रति द्वेष की भावना विद्यमान रहती है, ये इस कथन से बिल्कुल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तभी एक ही समुदाय के होते हुए भी वो एक दूसरे के ऊपर निरंतर वार
निरंतर वार करते रहते हैं। हाँ, रामायण जी की एक कविता है, कैसे पेड़ फूले कैसे पेड़ फूले पड़े जब जड़े डालियों से जले करके, बहुत अच्छी सुंदर कविता है, आप कभी समय मिले तो जरूर पढ़ें, सुने रामायण के द्वारा इसको, ठीक है। तो बच्चा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बीएड में 44 रीजनिंग के किए थे, 43 सही हुआ, बहुत बहुत बधाई इसके लिए हनुमान, लगातार प्रैक्टिस बच्चा, आप देख सकते हैं हनुमान आपके सामने एग्जाम्पल है कि लगातार प्रैक्टिस, हनुमान लगातार प्लस की क्लास में आते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सीखते हैं, कोई डाउट होता है तो पूछते हैं और मैं क्लियर करता हूं डाउट को, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं जो ऐसा कह सकता है कि मैं डाउट्स को क्लियर नहीं करता हूं, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस सेशन में आते रहते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, इसका भैया मैं पोल देता हूं, सिंपल प्रश्न है, कौन है जो समूह में नहीं आता, और ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर क्या आएगा। फिर से रिफ्रेश कर लो एक बार हनुमान उसको, रामायण उसको, 58% लोगों ने सही किया, बाकी सारे लोगों ने किया गलत। अच्छा, क्या जितने लोगों ने सही किया है ऑप्शन नंबर डी किया हुआ है, क्या सोच करके किया है, क्या मतलब है जरा बताओ कोई जन। ऑटोक्रेसी अमेरिका में है हम सफर आपके अनुसार, पार्टीज याद थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी और ऑटोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, अरे भैया सही किए हैं इसको तो कुछ सोच करके किए होंगे, क्या सोच करके किए हैं। हाँ तो फिर रहने दो, ऑटोक्रेट दैट इज मोनार्की। देखो भैया क्या होता है, इनका हिंदी मतलब अगर आप जानते हैं, ठीक है, इनका हिंदी ठीक, बहुत बढ़िया, इनका हिंदी मतलब अगर आप जानते हैं तो आप इनको कर लेंगे आसानी से। क्या मतलब है, डेमोक्रेट का मतलब होता है बच्चा लोकतंत्रवादी, ठीक है, जैसे अपना भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्रवादी। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी, ठीक है। लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब आपके सामने होता है क्या, उदारवादी, ठीक है, उदार नीति के संचालक, यानी उदारवादी लोग। अब ये जो ऊपर की तीनों चीजें बच्चा मैंने लिखी हुई हैं, लोकतंत्रवादी या साम्यवादी या उदारवादी, ये तीनों की तीनों चीजें केवल लोकतंत्र में ही संभव हैं, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर ही उदारता, साम्यवादिता या लोकतंत्रवादिता संभव है, बाकी कहीं पर नहीं। और ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाही। क्या मतलब होता है, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाही। तो बच्चा जहां पर तानाशाही होगी वहां पर उदारवादिता या साम्यवादिया साम्यवादिता या लोकतंत्रवादिता या लोकतंत्र बेसिकली कभी नहीं हो सकता जहां पर तानाशाही होगी। तो इनमें से बच्चा अलग कौन सा हो गया, डी वाला इनमें से अलग हो गया। हाँ, जैसे किम जोंग, बिल्कुल सही उदाहरण है, किम जोंग, हिटलर। अच्छा, चीन में क्या चलता है, तानाशाही चलती है या कुछ और है, चीन में कैसी सरकार है, तानाशाही वाली सरकार या कुछ और, आर्मी, तानाशाही, बी, नहीं, चीन में जो सरकार है बच्चा वो कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है, लेकिन वो दिखावे के लिए केवल कम्युनिस्ट है, असल में कौन सी ताना सरकार है, तानाशाही की सरकार है, वो केवल दिखाने के लिए कम्युनिस्ट की सरकार है लेकिन असल में तानाशाही है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए जल्दी से। और ये भैया 1 2 3 4 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के।
ये रहा पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। चलो बढ़िया है, हनुमान ने जैसा बताया है पैर और मुंडी पर ध्यान दें। देखो बच्चा चल कह रहा है, जितने लोगों से गलत हो गया है, क्या चल रहा है, एक एक रो को उठाओ बच्चा, रो नंबर वन को देखो। रो नंबर वन को देखते हो तो बच्चा तीन अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। रो नंबर ए को अगर आप देखते हो वन को, तो तीन अलग अलग आकृतियां बनी हुई है बच्चा। पहले वाले में देखो सर अलग है, दूसरे पर चलते हो तो सर अलग है, तीसरे पर चलते हो तो सर अलग है। इसके बाद बच्चा बॉडी को देखो, तो पहले वाले में बॉडी अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, यानी हर बार अलग है। जो बॉडी एक बार यूज कर ली उसको दोबारा यूज नहीं किया रो में। हाथों और पैरों को देखो तो बच्चा वो भी क्या है, तीनों जगह पर अलग अलग है, यानी एक आकृति दोबारा यूज नहीं की गई है, हर चीज को चेंज कर दिया गया, उसकी बॉडी, उसकी सर, उसके हाथ और उसके पैर सभी को चेंज कर दिया। बच्चा जरा रो नंबर दो पर आओ, ठीक। रो नंबर दो में बच्चा क्या किया गया है, रो नंबर दो में बॉडी पहले ये वाली है, फिर लाइन वाली और फिर ये स्क्वायर वाली बॉडी है, ठीक है। हाथ और पैरों की स्थिति देखो, हाथ पहले सीधे हैं, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, ठीक। सर सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, तो बच्चा नीचे आओ क्या बनेगा, जब तीसरे वाले पर आओगे तो पहले क्या है, स्क्वायर है, इसके बाद ये बलून जैसा है, तो बच्चा यहां पर अगली जो बॉडी बनेगी वो बॉडी सिंगल लाइन वाली बनेगी ना। अब सर कौन सा बनेगा बेटा, सर्कल निकल गया, ट्रायंगल निकल गया, तो सर में स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, स्क्वायर दो जगह आ रहा है। जरा हाथ पैर देख लो कौन कौन से आएंगे, तो ऊपर की ओर हाथ हो चुके हैं, सीधे हो चुके हैं, तो बच्चा नीचे की ओर वाले हाथ बचे ना। पैरों में देखो ऊपर की ओर निकल चुके, ये वाले भी निकल चुके, गोल वाले पैर बचे हुए हैं। कहां पर गोल वाले पैर नजर आ रहे, केवल ऑप्शन नंबर दो में। तो बच्चा यही क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। जितना लोगों ने गलत किया था उनको समझ आ गया कि नहीं आ गया, जिन लोगों ने तुक्का लगाया था उनको भी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। हमारे सामने प्रश्न है नंबर सीरीज का, बताइए उत्तर। हाँ तो स्क्वायर वाला ही तो लगाया था उसमें साची, मैंने स्क्वायर वाला ही लगाया था। पांच ऑप्शंस दिए गए हैं भैया, सही उत्तर क्या आएगा जरा ध्यान से करिएगा। नंबर सीरीज का प्रश्न, और ये रहा आपके सामने पोल। बढ़िया हिल गई। चलो भैया जरा देखा जाए, केवल 15-20% लोगों ने इसको सही किया हुआ है, गलत कर दिया है कई सारे लोगों ने, देखो जरा क्या चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई कि नहीं बताई है, मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया था, और वो ऑब्जर्वेशन बच्चा मैंने क्या बताया था, मैं जरा सीरीज लिख लेता हूँ, ऊपर समझाने में थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ पर सीरीज लिख लेता हूँ। 12, 7, 15, 57, 292 और आगे क्या है बच्चा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। ये जो हमारे सामने सीरीज लिखी बच्चा, मैंने आपको सीरीज को पहचानने का, पकड़ने का एक तरीका बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भैया सीरीज 12 से स्टार्ट हो रही है, 292 पर खत्म हो रही है, और आगे क्या लिखा है बच्चा, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, ऑप्शन ये है,
संख्या 2000 के पार पहुंच रही है, यानी सीरीज 12 से स्टार्ट होकर के 2000 के आसपास खत्म होगी, तो निश्चित तौर पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। इतना तो कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में भी क्या चल रहा होगा, तो बच्चा जरा 12 से 7 को देखो। मैंने एक चीज और आपको बताई थी क्या, कि अगर 12 से 7 हो रहा है, दैट इज अगर सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के हाफ के आसपास है। कितनी बार सिखाया मैंने ये चीज, अभी कल या परसों भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया था, वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी कैसा था, दशमलव वाला था कि नहीं था। मैंने क्या सिखाया था तब भी, कि अगर फर्स्ट सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म के हाफ के आसपास है, तो मैक्सिमम टाइम पर जो मल्टीप्लीकेशन चलता है वो कौन सा चलता है, इन 2.5 का। समझाया था हाँ या ना, समझाए थे कि नहीं समझाए थे, ठीक। और अगर समझाए थे भैया तो आपको 12 और 7 देखना चाहिए था, ठीक। 12 और 7 आपको देखना चाहिए था कि 7 क्या है, 12 के हाफ के आसपास लिखा हुआ है, यानी 12 का आधा 6 होता है, और हाफ के आसपास कितना हुआ, 6, यानी 7 लिखा हुआ है। तो बच्चा 12 इंटू दशमलव 5 करने पर हमको 6 मिलेगा। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो दिख रहा है प्लस का 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। बच्चा 7 से 14 15 लिखा हुआ है, अगर 7 एकम 7 करेंगे, ठीक है, अगर 0.5 से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे क्या करेंगे, 1 करेंगे तो डबल हो जाएगा ना। तो बच्चा 7 एकम 7 जोड़ना कितना पड़ रहा है, 8, यानी प्लस का 8 करना पड़ रहा है। बच्चा 15 से 57, अगर बच्चा यहाँ 15 से 57 में इसी मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 करेंगे, तो बच्चा 15 इंटू 1.5 दशमलव में संख्या आनी चाहिए, दशमलव में कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है सीरीज स्टार्ट तो 0.5 से हुई है, 1 पर भी गई है, लेकिन 1.5 पर नहीं। तो बच्चा क्या दूसरा लॉजिक क्या हुआ, दशमलव 5 का दुगुना 1, तो 1 का दुगुना 2 होगा कि नहीं होगा, यानी 15 दूनी 30, तो बच्चा 30 में 57 पहुंचने के लिए जोड़ा कितना, 27। और जैसे ही मैंने 27 लिखा, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। ये 27 तो क्या है, 3 का क्यूब, 8 क्या है, 2 का क्यूब, तो 1 क्या है बच्चा, 1 का क्यूब। क्लियर हो गया ना क्या चल रहा था मल्टीप्लीकेशन, हर बार डबल होता जा रहा है, इंटू 0.5 इंटू 1, 1 का दुगुना बच्चा 2, तो 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा, और फिर 4 का दुगुना कितना होगा, 8, यानी 292 इंटू 8 करोगे, और मल्टीप्लीकेशन में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो बच्चा यहां पर क्या होगा, 4 का क्यूब, यानी 64 जोड़ा गया था, तो अगली बार 5 का क्यूब यानी कि 125 जोड़ेंगे। बच्चा 292 इंटू 8 कितना होगा, अब 292 इंटू 8 का मतलब ये नहीं कि ऐसे करने बैठ गए कि 292 इंटू 8, 8 दूनी 16, एक ऊपर गया ना, ऐसे नहीं। अब ये 300 लिखा हुआ है, 300 इंटू 8 2400, कितना कम है, 8 कम है, कितना मल्टीप्लाई किया 8 से 64, 2400 में 64 घटाओ कितना बचा, 2336 बचा कि नहीं बचा, ठीक है, सॉरी 2436 बचा कि नहीं बचा। अच्छा, इसके आधार पर इसके आधार पर बच्चा जोड़ना कितना है, 5 का क्यूब यानी 125 जोड़ना है ना आपको। और बच्चा एक बात बताओ, अगर 2336 आपके पास बचा और 2336 में अगर आप 125 को जोड़ेंगे तो 2461 आपका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो यही आपका प्रश्न हो गया। आ गया समझ में भैया कि नहीं आ गया, आ गया हो तो अंगूठा बता करके बताना, नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लेना। मनोज वर्मा एंड मोहम्मद मुर्शी जी, स्वागत है क्लास में आप लोगों का। अगला प्रश्न रहा ये, उत्तर बताइए क्या उत्तर आएगा, और उत्तर बताइए। जितने भी नए लोग हैं भैया, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास आपको परमानेंट मिलती रहती है, ठीक है, परमानेंट आपको एक क्लास मिलती रहती है, रोज शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, हर एक टाइप के एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, ठीक है, एसआई का एग्जाम हो, यूपीएसआई का या पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम के लिए ये आपके लिए सहायक है। प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये स्पेशल क्लास है, आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए, तो ज्वाइन करिए और लोगों को बताइए इस क्लास के बारे में, ठीक है। मोर्चा का मतलब है धरना प्रदर्शन, साची धरना प्रदर्शन, ठीक। और अब मैं इस प्रश्न का दे रहा हूं आप लोगों को पोल, जरा बताइए क्या उत्तर आएगा।
ये रहा पोल, बताइए उत्तर। बहुत बहुत स्वागत है भैया विकास। चलो जरा इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा समझते हैं, भारी कंफ्यूजन है। चलो जरा समझो भैया, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए वाला लगाया हुआ है कि पहली कार्यवाही सही है। ठीक है, मैंने आंसर दिया था डी। अब जितने लोगों को लग रहा है कि पहला वाला सही है, वो गलत कैसे या सही कैसे होगा जरा ध्यान से समझना। वाई नॉट डी, गर्मियों में मर जाएंगे बिना बिजली के। अरे हमने तो डी लगाया था ना। अच्छा चलो अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा बच्चा समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कह रहा देश के अधिकांश भागों में, अरे केंद्र की सरकार तो एक होती है, केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया है। ठीक, कौन सा प्रश्न है कार्यवाही का, क्या समझाया मैंने कार्यवाही के क्वेश्चंस के बारे में आपको, कि स्टेटमेंट में जो चीज लिखी होती है वो है आपकी प्रॉब्लम, जो चीज स्टेटमेंट में लिखी होगी वो है आपकी प्रॉब्लम, और कार्यवाही क्या होती है, कार्यवाही होता है सल्यूशन, आपको प्रॉब्लम को पहचान करके सही सल्यूशन देना होता है। बच्चा प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, उसने कहा देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को मुश्किल में डाल दिया है। हमारे सामने प्रॉब्लम है कि परीक्षा का समय चल रहा है और विद्यार्थियों को बिजली यानी पावर ना होने की वजह से समस्याएं चल रही हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। सल्यूशन क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा कि परीक्षा के समय कम से कम उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, परीक्षा के समय उनका पेपर अच्छे से निकल जाए, पढ़ाई कर सके वो लोग। सल्यूशन ये होना चाहिए, या सल्यूशन होना चाहिए कि माता पिता को बैठना चाहिए बिजली बोर्ड के सामने या केस्को के सामने या जो भी आपके क्षेत्र में बिजली का कंपनी जो वितरण करती है उसके ऑफिस के सामने बैठ जाना चाहिए, एक एक पुतला लेकर के हाय हाय करना चाहिए, ये सल्यूशन सही होगा, या बच्चों के लिए उचित इंतजाम करना चाहिए कि पेपर सही से दे सके, पढ़ाई कर सके, बताओ। क्या मोर्चा निकालने से बच्चों की जो समस्या चल रही है वो खत्म हो जाएगी, मोर्चा निकालने से खत्म हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो भैया मोर्चा काहे निकालोगे जाकर के। और पहला वाला जितने लोगों ने आंसर किया है, कह रहा है कि सरकार को लोगों को जनरेटर और इन्वर्टर जैसी आपात व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए। अरे आपात व्यवस्था तो कर रहे हैं, अधिकांश भागों में पावर कट लगा रखा है आपने, हर व्यक्ति जनरेटर खरीद करके थोड़ी ना बैठ सकता भाई। हमने आपको सरकार में चुना है तो किस लिए, ताकि आप ये छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें हमारी पूरी कर सकें, और अगर ये भी नहीं पूरी कर सकते तो हमको बता दो, हम खुद बिजली का उत्पादन करने लगे जाकर के। अगर हमें ही सब करना है तो हम बिजली का उत्पादन खुद ही ना करें जाकर के, और इन्वर्टर भी तब ना चार्ज होगा जब तुम उसको चार्ज करने के लिए बिजली दोगे हमको। यार बिना बिजली दिए इन्वर्टर को क्या पानी से चार्ज करके चलाएंगे, है नहीं है ना, सही उचित कार्यवाही नहीं है ना। हमारे सामने सरकार बोल रही है कि लोगों को जनरेटर खरीद लेना चाहिए, इन्वर्टर खरीद लेना चाहिए। अबे अभी की समस्या हमारे सामने है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, हम कैसे करें, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, हम कैसे उनकी परीक्षाओं को सही से कर सकें, कैसे वो पढ़ाई कर सके सही से, है कि नहीं। और सरकार के लिए जनरेटर खरीद लो तो जनरेटर खरीद के क्या कर लें, हमारे पास नहीं पैसा इन्वर्टर खरीदने का, एक इमरजेंसी लाइट खरीदने का पैसा नहीं है, तुम जनरेटर खरीदने की बात करो, क्या ये लॉजिकल है, उचित है कहीं से भी, नहीं ना। तो बच्चा पहला वाला भी गलत होगा हमेशा, आया समझ में, पहला वाला भी क्या है गलत, तो दूसरा वाला भी क्या है गलत, तो बच्चा डी वाला क्या होगा सही। नहीं हम काहे गुस्सा करेंगे, हमको कभी देखो गुस्सा करते हुए, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जब आप इसी तरह से समझेंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, सही डी वाला होगा बताया तो, सही डी वाला होगा बताया कि ना, अभी अभी बताया हमने। अच्छा अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इसका उत्तर बताइए मुझे क्या आएगा जल्दी से। शिवालिका, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक बहस,
है कि नहीं। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक बहस, मैं अपने तर्क आपके सामने रखूंगा, आप अपने तर्क मेरे सामने रखेंगे, और दोनों के तर्कों को एक दूसरे से अगर ऊपर उठाना है, समझाना है, तो निश्चित तौर पे तार्किक बहस होगी ही होगी। इसलिए न्यूज चैनल जैसा लगेगा ही लगेगा, न्यूज चैनल में भी यही करते हैं, पता नहीं कौन कौन फर्जी टाइप के लोगों को बैठा करके बुला लेते हैं, है ना, और फर्जी की बहस चालू करते रहते हैं दिन भर, उनको रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरी न्यूज नहीं मिलती। अच्छा इसका उत्तर बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा भैया, तार्किक क्रम में लिखना है, ठीक है, और ये रहा पोल, उत्तर बताओ। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी विकट परिस्थिति है रामायण। अच्छा चलो भैया इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा जरा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है हमारे सामने, काहे बैठा देना चाहिए, क्या कह रहा है बच्चा हमारे सामने, ये पांच शब्द दिए हैं और कह रहा है इन पांच शब्दों को, बच्चा एक बात बताओ, कह रहा है इन पांच शब्दों को जरा तार्किक क्रम में व्यवस्थित करो। बच्चा कैसे तार्किक व्यवस्थित करेंगे इसको तार्किक क्रम में, जश्न, खुशी, उमंग, परमानंद, प्रसन्नता। ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते थे इसको, जितने लोगों ने गलत किया है इसको ऑप्शन चेकिंग से भी देख लेते तो सही कर देते। बच्चा ये जो पांच ऑप्शंस लिखे हैं, जश्न, खुशी, उमंग, परमानंद, प्रसन्नता, इसमें से सबसे ये खुश, बच्चा ये खुशी के अलग अलग टर्म लिखे हुए हैं कि ना, जब आदमी कम खुश होता है ज्यादा खुश होता है, ठीक है, कम खुश होता है ज्यादा खुश होता है, समान रूप से खुश होता है, ऐसा बच्चा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चा हमारे सामने ये जो पांच खुशियों की अलग अलग परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इनको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना था, यानी बच्चा कि कब क्या होता है। तो बच्चा एक बात बताओ, सबसे अंत में तो परमानंद होता है कि नहीं, परम आनंद, मतलब अब इससे अधिक खुशी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, परम आनंद। क्या बोलते हैं, परम आनंद बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, परम का मतलब जैसे रामायण ने लिखा भी अति आनंद, ठीक है, यानी आनंद से सराबोर हो जाना, और इसके अतिरिक्त अब ऐसा आनंद कुछ हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में, बस यही बचा है। और ये परम आनंद पता है आपको विकास कब मिलता है, जब आपको जिंदगी में वही काम करने को मिले जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ठीक, जब आप अपने काम को, वो काम जो हमेशा करना चाहते थे, और अगर आपको प्रोफेशन में भी वही काम मिल जाए, ठीक है, प्रोफेशन में भी आपको वही काम मिल जाए, ठीक, तो उससे बड़ा सुख आपके लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि आप तब नौकरी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आप तब नौकरी नहीं कर रहे होंगे, तब आप क्या कर रहे होंगे, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय करेंगे तो निश्चित तौर पे आप और आपके आसपास के रहने वाले लोग आपसे खुश होंगे और आप परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक। तो बच्चा सबसे आखिर में तो परम आनंद आएगा, यानी चौथा वाला आखिर में कहां दिख रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बाकी तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब बच्चा अगर इसका लॉजिकल ऑर्डर पहचानने भी अगर चलोगे ना, तो उमंग मतलब छोटी सी लहर खुशी की, ठीक है, हाँ समझा रहे हैं, उमंग मतलब खुशी की छोटी सी लहर जब आती है तो व्यक्ति उमंग से भर जाता है, ठीक, छोटी सी खुशी की लहर। इसके बाद बच्चा क्या आती है, खुशी आती है। खुशी के बाद क्या आता है, खुशी, जब हम खुश होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जैसे हमको देखता है तो कहता है ना, क्या बात है आज बड़ा प्रसन्न लग रहे हो। खुशी से क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है हमको। जब प्रसन्नता आती है तो प्रसन्नता का जश्न मनाते हैं, जब प्रसन्नता आती है तो क्या करते हैं, प्रसन्नता का जश्न मनाते हैं। और जब जश्न मनाते हैं, जश्न किसके साथ मनाया जाता है, अपने अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ। और बच्चा जहां पूरा परिवार इकट्ठा होकर के एक साथ जश्न मना रहा है, तो उससे बड़ा परम आनंद कोई और हो सकता है क्या, आज के समय में इससे बड़ा कोई परम आनंद हो सकता है क्या, नहीं ना। तो बच्चा ये बन गया कहां, ऑप्शन नंबर सी के प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक। और दो वाले में साची, बी वाले में पहले क्या लिखा है, खुशी, फिर खुशी के बाद उमंग, खुशी के बाद जश्न, जश्न के बाद उमंग, नहीं भैया
उमंग और खुशी ये दोनों चीजें एक दूसरे को तो आगे पीछे कर सकती है, लेकिन जश्न नहीं करता। जश्न कब मनाएंगे? जब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक खुशी हो जाती है, खुशी अधिक खुशी। खुशी का मतलब ये थोड़ी कि आज हमने जो है, आज हमको जा रहे थे तो आज हमारे पिताजी ने हमको 500 रुपए दे दिए तो हम खुश हो गए, उतने में 500 की पार्टी कर डाली हमने, पता चला मिले 500 पार्टी कर डाली 5000 की, बर्बाद अलग से हो गए, ठीक है? तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ठीक। तो ये था भैया आज का आपका क्लास। मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं ताकि जितने लोगों की दूसरी क्लास है वो लोग अपना दूसरी क्लासेस में जाएं, और जितने नए लोग हैं वो केवल अच्छा बढ़िया, बाकी लोग अपनी दूसरी क्लास में चले जाएं। मैं लीडर बोर्ड एक बार दिखा दूं, और इसके बाद जो नए लोग हैं आज पहली दफा क्लास में आए वो केवल रुकना 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट भी नहीं। मेरी क्लासेस कब कब चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है ये मैं आपको समझा दूं, इसके बाद आप लोग भी जा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल भैया, परिवार से बड़ा कोई सुख नहीं होता। और ये है भैया लीडर बोर्ड की स्थिति। जैस्मिन ने आज टॉप किया हुआ है, बहुत बढ़िया, 12 क्वेश्चन सही है 13 में से 12 बोल सकते हैं। हनुमान दूसरे नंबर पर है, आयुष है तीसरे पर 10, ज्योति के भी 10 क्वेश्चन सही है, देन सुरभि, महिमा 8 क्वेश्चन, और इसके नीचे शिवालिका, रामायण, नितेश, हम सफर 7-7। रामायण का बेचारे का बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो जाता है, वरना ये भी टॉप 3 में आए। बहुत बढ़िया भैया, अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको और बेहतर करना है, रोज रोज प्रैक्टिस करके हम लोग 17वें स्थान पर हैं फातिमा जी। ओके, रेगुलर रहोगे तो मेरी गारंटी है सिखा ले जाएंगे बस। अच्छा मैं दिखा देता हूं अभी सानू, मैं दिखा देता हूं, ठीक है? रेगुलर रहोगे अगर क्लास में तो मैं सिखा ले जाऊंगा, इतना मुझे गारंटी। लेकिन उसके लिए बच्चा मुझे आपसे भी डेडिकेशन चाहिए, जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं, अगर आपके अंदर पढ़ने का भी वैसे ही जज्बा है, डेडिकेशन है, तो डीसी मिश्रा तुमको सिखा ले जाएंगे, कंफर्म है। लेकिन डेडिकेशन आपसे चाहिए, ठीक? डेडिकेशन एंड पेशेंस, टू थिंग्स ओनली। भैया आप जितने लोगों की क्लास है आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। कल सुबह 9:30 बजे फिर से मिलेंगे कंप्यूटर की क्लास में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेटवर्किंग, ठीक है? अच्छा, और जितने नए लोग हैं बस वो 2 मिनट के लिए मुझे समय देना, और मैं आप लोगों को क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में बता दूं। बच्चा मेरी रेगुलर क्लासेस दो समय पर चलती हैं इस कैटेगरी में। कितने बजे बच्चा? 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह ये क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? ये प्लस की क्लास होती है, ठीक है? और ये प्लस की क्लास बच्चा 9:30 से 11 चलती है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग डिटेल में रीजनिंग पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन रीजनिंग का, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या आ सकता है, रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है? रीजनिंग के साथ साथ अभी कल एक कोर्स पेज लॉन्च किया था कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना जीएस सेक्शन में, जितने भी आप एग्जाम देते हैं 3-4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं ना, तो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं प्लस में सुबह 9:30 बजे, ठीक? बेसिक से फंडामेंटल तक आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे आते हैं क्लास में आप उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं कि भैया कंप्यूटर कैसा चल रहा है, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी क्लास बच्चा कितने बजे चलती है? दूसरी क्लास चलती है शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है? ये कौन सी क्लास होती है? ये बच्चा स्पेशल क्लास होती है, यानी फ्री क्लास, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको केवल क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ही चीजों को करने के लिए आपको केवल और केवल फॉलो करना पड़ेगा मुझे, यानी फॉलो कर लीजिए किसे? मुझे, डीसी मिश्रा। आपकी ऐप पर जब आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन रोज क्लास के पहले मिल जाया करेगा, ठीक? और जब क्लास के पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप आसानी से 7 बजे क्लास में आ जाएंगे, और रोज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे हर तरह के एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्पेशल क्लास का सीन। अच्छा, प्लस की जो बच्चा क्लास चलती है, प्लस की क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है? अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नाम का भी एक चीज है ना, तो वो आपको प्लस की क्लास के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर बच्चा खुश रहो रामायण, खुश रहो, ठीक? तो प्लस की क्लास के लिए बच्चा आपको क्या करना होता है? सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको कोर्स पेज खरीदना होता है। कितने महीने का होता है? ये होता है बच्चा 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का, ये सब्सक्रिप्शन होता है। कितने कितने का होता है? जैसे 3 महीने के सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है? 3500 रुपए है।
छह महीने की कितनी है बच्चा, ये 5600 रुपए है, ठीक है, और 12 महीने की कितनी है, 7000 रुपए, और 24 महीने की 8400 रुपए, ठीक। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं 3, 6 या 12 या 24 महीने का और रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा रेफरल कोड बच्चा, DC10, ये जो लिखा हुआ है ना DC10, अगर आप इस रेफरल कोड का बच्चा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको क्या होगा, ये जो फी है आपकी, इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 10% का डिस्काउंट, जैसे अतुल ने लिखा हुआ है ना, जब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चा तो ये फीस कम हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो कोशिश ये करें कि मिनिमम 6 या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, और मैक्सिमम तो 24 ही है, लेकिन मिनिमम 6 या 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप एक जब पढ़ना शुरू करो तो कम से कम बच्चा 3-4 महीने तो एक कोर्स खत्म होने में लगता है, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट खत्म होने में लगता है, और महीना से 2 महीना प्रैक्टिस, ठीक है। अगर कई तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल के लिए पर्याप्त है आपका, है कि नहीं, तो बच्चा ये कर सकते हैं आप। अच्छा, फीस कम हो जाएगी, जैसे 6 महीने की फीस कितनी हो जाएगी, 5040 रुपए, 12 महीने की फीस कितनी हो जाएगी, 6300 रुपए। अच्छा, इस फीस को बच्चा और भी कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, जब आप स्पेशल क्लासेस लेते हैं ना, ये फ्री वाली क्लासेस, तो आप देखना कभी भी अपने ऐप के प्रोफाइल में जाकर के आपको क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट यानी कि क्वाइंस, ठीक है, दिखाता है क्रेडिट वैल्यू आपकी कितनी है, यानी कि अगर आपने एक 12 महीने का कोर्स लिया जिसका फीस रेफरल कोड DC10 के बाद 6300 रुपए बच्चा, लेकिन आपके पास क्वाइंस हैं, तो इसमें बच्चा इस 6300 में भी मैक्सिमम 10% का ऑफ आपको और मिल जाएगा, यानी अगर आपके पास 630 क्वाइंस भी हैं तो आपको 10% का ऑफ और मिलेगा, और ये कितने का पड़ जाएगा, ये आपका 5700 या 5800 का करीब आपका ये सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा, यानी 5700 रुपए में आप पूरे साल पढ़ पाएंगे, ठीक, पूरे साल, और सिर्फ मुझसे नहीं पढ़ पाएंगे, फिर मेरी प्लस क्लास में तो आप आ ही पाएंगे, मेरे अलावा और जितने एजुकेटर्स की क्लास चलती है प्लस में, आप उन सभी की क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे, मैथमेटिक्स की भी, हिंदी की भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, सभी टीचर्स की क्लासेस की आप प्लस ज्वाइन कर पाएंगे। और इससे क्या होगा बच्चा, स्पेशल क्लासेस में मैक्सिमम टीचर्स क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं बच्चा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आपको प्रैक्टिस में मजबूत होने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक एक सिस्टमेटिक रोड मैप के आधार पर चलता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है कि हाँ इस टॉपिक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आना चाहिए, तो एक सिस्टम के तहत जब आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, सिलेक्शन के चांसेस बच्चा आपके बढ़ते चले जाएंगे, हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए केवल और केवल इसीलिए जरूरी है। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या आपके किसी मित्र को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, ठीक। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप मुझसे क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी कैसा भी डाउट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बताना था सानू जी को, कौन सा था ये सानू, जरा ध्यान से समझना बच्चा, ये जो कैस्ट्रा फोन करके हमारे सामने लिखा हुआ है, इस प्रकार के बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को समझ लो केवल, कह रहा अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े, यानी इसमें कैस्ट्रा फोन जो लिखा हुआ है इसमें अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े, यानी जोड़े का मतलब क्या, सी और ए एक जोड़ा बना रहे हैं क्या, पेयर, यही तो हुआ ना, जिनके बीच वर्णमाला के समान अक्षर में समान अक्षर है, समान अक्षरों में समान अक्षर है, दैट इज कि सी और ए के बीच में इस शब्द में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। तो बच्चा अल्फाबेटिकल जब सीरीज लिखोगे तो उसमें तो ए बी सी डी ऐसे, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में ए और सी के बीच में एक अक्षर आता है, जबकि यहाँ कैस्ट्रा फोन में जो लिखा हुआ है वहां तो बच्चा सी और ए के बीच में कोनो अक्षर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये पेयर नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको पेयर बच्चा सी और एस का चेक करना होगा, एस और टी का, फिर सी और आर का, फिर सी और पी का, यानी एक एक अक्षर का बाकी सभी अक्षरों के साथ पेयर चेक करते हैं बच्चा। लेकिन अगर एक एक अक्षर का चेक करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो उसका ट्रिक क्या होता है कि जितने भी अक्षर हैं उनका प्लेस वैल्यू लिख लो, अक्षर से अक्षर नहीं पता चलेगा लेकिन नंबर से पता चल जाता है। जब आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 19 से 20, यानी एस और टी के बीच यहाँ भी 0 अक्षर आ रहे और अल्फाबेटिकल सीरीज में भी 0 अक्षर आते हैं, तो ये एक पेयर बन गया बच्चा। ऐसे ही 16 P से R बच्चा, 16 से 18 बीच में एक लिखा हुआ है ना, यानी 16, 17, 18 बच्चा P और R के बीच में वहां पर Q आता है, यानी एक अक्षर, यहाँ पर A आ रहा है यानी एक अक्षर, तो ये भी एक पेयर बन गया। ऐसे बच्चा पेयर बताना होता है, और ये पेयर बताया था तो उत्तर कितना आया था, 6 आया, समझ में।
चलो नमस्ते चांदनी जी, बहुत लेट हो गई आप आज। चलो अब इस क्लास को बच्चा करते हैं खत्म, कल मुलाकात करेंगे सुबह 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सानू इसके बारे में, इस एप्रिसिएशन के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में बताइए, ठीक है, और रेगुलर रहिए, मैं निश्चित तौर पर सिखा ले जाऊंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं चांदनी जी। रेगुलर थोड़ा सा प्रयास करिए, टाइम से आ जाए। चलिए अब मैं खत्म करता हूँ इस क्लास को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।